देश में कमर तोड़ती महंगाई, पेट्रोल और डीजल के दर में बेतहाशा वृद्धि सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने गुरुवार को बेतिहाता स्थित मुंशी प्रेमचंद पार्क के सामने विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ोतरी दर और बेतहाशा महंगाई ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन कर भाजपा सरकार से तत्काल महंगाई पर रोक लगाने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी के एसएस पांडे, इकबाल अहमद, अयूब सोनी, खालिद सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के एसएस पांडे ने कहा, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा, कम करो, गांधी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, कम करो, पेट्रोल डीजल की कीमत कम करो, कम करो, कम करो, पेट्रोल डीजल, राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 मोदी सरकार की एक खामियां नहीं है, तमाम ही खामियां उनकी हैं जिसको लेकर प्रदर्शन हुआ हो रहा है। बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, सुशासन कहीं भी किसी बात की कोई सुनवाई नहीं है। यदि कोई अपराधी है तो बढ़ता जा रहा है। भाषण तो ये लोग देते हैं कि हम अपराधियों पर लगाम कस रहे हैं। थाना, पुलिस, प्रशासन सब जो है बेकार है। सड़कों की हालत आप देख लीजिए, इन्होंने खुद अखबार में दैनिक जागरण ने लिखा कि 300 सड़कें बर्बाद हो गई हैं, उनके मरम्मत होने का कोई जो है साधन नहीं उपलब्ध हो रहा है। इस तरह से देखा जाए तो मोदी सरकार का कुल फेल्योर है। इसका शासन अब कांग्रेस से बढ़िया कोई शासन चला नहीं सकता। हम तो विरोध करने के साथ साथ हम अपनी कांग्रेस को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं।